हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइव चैनल। तो दोस्तों, आपके बहुत से कमेंट आते थे बहुत सी वीडियो पे, तो आज जो है फाइनली मैं उस वीडियो को मुझे मौका मिला है बनाने का। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा जो आपके सामने 12 स्विच है ये किस प्रकार से काम करते हैं, क्या इनका काम है और क्या कुछ इनका प्राइस है। तो ये गाड़ी है टाटा 3118, तो इसमें ये स्विच दिए हुए हैं, तो इनका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा सभी का क्या क्या काम होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाद में घंटी को ज़रूर दबा दें, या फिर आप पहले से हमारे व्यूवर्स हो तो आपके लिए थैंक्स। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे सभी जगह आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं स्विच आपको दिखा देता हूँ। ये दो स्विच ये होते हैं आपके एक्स्ट्रा स्विच में आते हैं, इनमें आप कोई भी अपना स्विच लगा सकते हैं, गोल तरीके के कोई स्पीकर भी आप इनमें लगा सकते हैं, या फिर कुछ भी आप इस प्रकार का कोई स्विच जो गोल टाइप में हो। और ये सबसे पहला हम बात करें तो ये होता है हेडलाइट सेटिंग का, तो इसमें 0 से लेके 3, 4, 5 इस तरीके की कुछ सेटिंग आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये होता है लो बीम और हाई बीम, मतलब कि अप डाउन का सिस्टम होता है। जैसे ही हम अपने जो इस लाइट को धीमा करते हैं तो हमें एक पे या फिर दो पे रखना चाहिए, फुल करना है तो 3 से कर सकते हैं इसको। और ये नेक्स्ट है जो यहाँ पर रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लाइट के लिए, क्योंकि लाइट का पूरा खेल इसी पे होता है। ये मेन स्विच माना जाता है लाइट का। इसकी कीमत जो है 600 या 700 रुपये आपको मिलेगी, कहीं पर भी किसी कंपनी में, टाटा की कंपनी में आपको डलवाते हो 500 या 600 के करीब आपको इसकी कीमत मिलेगी। क्योंकि मैंने नया स्विच डलवाया है, कल ही डलवाया है, क्योंकि ख़राब हो चुका था लाइट, ठीक करवाने के बाद बार बार ख़राब हो जाती थी, तो इसलिए इसको नया डलवाया है। और थर्ड नंबर पे यह है ई, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, तो ये इंजन लाइट हमारा है, इंजन की लाइट जो भी इसमें जलती है। और ये भी हमारा जो है लाइट का है, तो ये चेकिंग, जो भी हम लाइट चेक करते हैं तो जो भी हमें लाइट चेकिंग करनी होती है तो उसके लिए हमें ये जलानी पड़ती है। और ये यहाँ पे है एक आपको 4, इसमें डंडियाँ दिख रही होंगी बीच में, ये होता है हमारा 4x4, मतलब कि सभी लाइटें जलनी, पार्किंग वगैरह सभी लाइट हमारी इससे जलती हैं। पार्किंग लाइट इससे भी, इससे तो सभी लाइटों के कनेक्शन होते हैं, पार्किंग लाइट भी इससे जलती है। इस पर आपको ये ऑप्शन भी दिख रहा होगा, जब भी हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो ये हमें लाइट जलानी होती है। ये होता है हमारा 4x4 का, हम कहीं भी अपनी 4x4 गाड़ी के जो भी इंडिकेटर वगैरह हैं ये जला के रख सके। और ये जो भी स्विच आपको दिख रहे हैं इनका, ये इसी, इनका कोई फ़िलहाल काम नहीं है, ये एक्स्ट्रा में दिए हुए हैं। अगर आपको इनसे कुछ कोई भी इन काम इनसे करना है, अगर आप कुछ भी इनसे जो है कर सकते हैं, कोई अगर एक्स्ट्रा स्विच आप लगाना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं, उसके लिए आपको दिए हुए हैं। तो ये पूरा कीबोर्ड जो है एक लाइट का कीबोर्ड है, इसमें लाइट के ही ऑप्शन दिए होते हैं। खोलने के लिए इसमें ये दो यहाँ पे नट दिए होते हैं और दो ऊपर की तरफ आपको नट मिलेंगे, तो इनका अलग अलग काम होता है। वायर इनमें दी हुई है नीचे की तरफ से। तो आज का ये वीडियो थोड़ा इसी टॉपिक पे था, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों के साथ। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।